मंजिल में नहीं है कि जो सीखना है ना इतनी बड़ी लोग। अब होता क्या है कि हम सारी जिंदगी गुजारा करते हैं अपने फार्मा की जो प्रोडक्ट है ना उनको सेल करते, हमारा नाम नहीं है। लोग हम चाहते हैं स्टोर का नाम, क्योंकि वो फलाने डॉक्टर साहब वो फलान स्टोर है। हमें कोई ये नहीं कहता यार वो फलान जो डॉक्टर है ना वो इतना बेहतरीन आदमी। आप ये देखें कि पिशावर में चंद ऐसे डॉक्टर होंगे जिनका नाम है, बाकी डॉक्टर का नाम नहीं। उसकी बेस्ट रीजन ये है कि हम जो जिंदगी गुजारते हैं ना वो एक ऑर्डिनरी जिंदगी है, जो एक आम इंसान पैदा हुआ और उसने बस टाइम गुजारा और दुनिया से चला गया और उसका ना तो दुनिया को कोई फायदा हुआ ना उसको कोई फायदा। तो क्या आप जो मेरे दोस्त हैं वो ये चाहते हैं कि यार ये आम ही जिंदगी गुजारते हैं हम सारे? क्योंकि मुझे भी ये जिंदगी बोल रही है और मेरे भी आपको भी नहीं। और ये जो सिलसिला है ना ये जो स्टार्ट हो रहे हैं ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। देखिए एक कॉल है किसी मोहतरम शख्सियत का कि इल्म वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूंगा, आपको जरूर फायदा होगा लेकिन आपसे ज्यादा फायदा मुझे होगा, क्योंकि ये सदका जारी है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि बल्लो बंधु बल्लो आया, कि मेरी जानब से आप पहुंचाते चाहे आपके पास एक आयत थी क्यों ना। दूसरी बात ये कि वो दीन इस्लाम जिसकी इब्तिदा एक तरह से हुई है कोई शक, और हम तालीम में कितने पीछे। अब देखिए वहीं पर थी जर्मनी से दुनिया के बड़े बड़े रूफ लूम जो है ना वो मानव किसे हमारे पास आते हैं, हम हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है जो हम दुनिया को बता सके। और हम देखें उनकी उनको उनकी फॉलोअर है और उनको कॉपी करके सारी जिंदगी गुजारते हैं। अब गुड टू ग्रेट इसका नाम इसलिए रखा कि हर इंसान अपने लेवल पे गुड काम करता है, वो ग्रेट कैसे हो। देखिए आप ये देखते हैं कि यार दुनिया में चंद नामालूम लोग होते हैं अचानक वो उठते हैं और बहुत हाई प्रोफाइल जगह पे चले जाते हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, वो उसी तरह उनको जानता भी नहीं है और उसी तरह जिंदगी गुजार के खत्म हो जाते हैं। देखिए मटीरियल मेडिका होम्योपैथी नहीं, ये एक सब्जेक्ट का नाम है। मोस्टली हम जब किसी सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम दवाइयों के नाम पूछते हैं, ऐसे ही है। ये गलत है, ये पूरी बात नहीं है। आप होम्योपैथी नेट से भी देख लें, आप किताबें पढ़ लें, इतनी बुक्स है ना आपको आ जाएगी। आप फिलॉसफी ये होम्योपैथी की फिलॉसफी है, बाकी पैथोलॉजी है जितने भी सब्जेक्ट्स है ना वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को डेवलप कैसे करें ये आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं आपके सामने बातें कर सकता हूं, मैं आपको डेवलप नहीं कर सकता। डेवलप उस वक्त होंगे जब हम खुद तय करेंगे कि मैंने अपने अंदर तब्दीली लानी है। देखिए एक आदमी है वो सुबह उठता है अपने क्लिनिक पे आता है और एक मखसूस टाइम पे काम करता है और शाम को चला जाता है, उसके एक साल के बाद उसे उम्मीद है कि मैंने 10 लाख का काम किया। और अगर यही काम वो अगले साल भी करेगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 10 लाख। वो फिर यही काम करेगा तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? 10 लाख। हो सकते काम, क्यों? उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया। अगर हमारे जो एफर्ट्स हैं ना उनमें तब्दीली नहीं आएगी, हमारे रिजल्ट में तब्दीली नहीं आएगी, ये तो सोचे भी ना। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपना क्लिनिक या अपने स्टोर पे दिन को 10 बजे जाते हैं और वो गिला करते हैं कि यार मेरा तो काम नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि हदीस पाक का मफहूम भी है कि सुबह के कामों में बरकत और खुशादगी है, फिर मफहूम है कि या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत अदा कर, तो फिर हमें गिला क्यों करते हैं? जब मैं 12 बजे क्लिनिक खोलूंगा तो आपका क्या हाल है, मैं कामयाब हूंगा? बेसिक जो कंसेप्ट है ना मैं उसी के अगेंस्ट जा रहा हूं। और आज हम जो बात करेंगे ना मतलब दरम्यान में बातें चलती रहेंगी और सबसे मजा उस वक्त आएगा जब सवाल आएगा और सवाल वो बंदा करेगा जिसको बात समझ आएगी। अच्छा एक और बात है, मैं आप उस्ताद नहीं, ये भी जहन से निकाल दें, उम्मीद में थोड़ा सा एक और एहसास कम करेंगे। जो बंदा किसी को एक लफ्ज सिखा दे वो पूरे पाकिस्तान को बताएगा कि ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, ये क्या बकवास है? हर इंसान स्टूडेंट है। मैं यहां आपको सिखाने नहीं आया, मैं आपसे सीखने के लिए आया, ठीक है ना? इतने लोग इफ्तिबाद नहीं आ सकते, मैंने कहा मैं चलता, ठीक हो गया? तो ये जहन से निकाल लें कि कभी मैं आपको ये वो यार वो मेरा स्टूडेंट है और फलाने के टम गाने में देखते रहता, क्योंकि हमारे यहां भी ये कंसेप्ट है। आप किसी को बुला लें फेसबुक पे तस्वीरें लगाएं लिखे जी मेरे स्टूडेंट्स, मुझे तो नहीं समझ आई कोई फायदा हुआ, मुझे तो आज तक कब फायदा नहीं हुआ। फायदा मरीज से होता है, जो मरीज
अपने पास आते हैं। ये बात हो रही है। और देखिए ये जो सारी बातें हैं ना, ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात है। मैं एक आम सा फार्मास्यूटिकल का बंदा जिसने 12 साल फार्मा में काम किया, वो जब डीएचएमएस में दाखिला लिया और बात समझ आई तो एक ही बात जहन में आई कि यार अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है। आपके जहन में होता है यार हम अपने आप को किस तरह डेवलप करें, हमारा नाम कैसे है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट किस तरह है, हम ये चाहते कि नहीं चाहते, हम चाहते ना हमारे पास ज्यादा मरीज हो, हम चाहते लोग हमारे नाम से जाने और हमारी इज्जत करें। अगर हमारा मरीज ठीक ना हो तो हमारी इज्जत करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल जरूर हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो हम आगे जा सकते हैं। और उसका उसके लिए जाहिर स्पीड में बहुत सारा काम हुआ है। और अच्छा मेरी जो तालीम है ना वो बड़ी बढ़ेगी सी, होम्योपैथी भी मैंने की, एमबीए भी कर लिया, साइकोलॉजी भी कर ली, माइंड साइंस के भी कोर्सेज किए, पता नहीं क्या क्या किया। तो जो कुछ ऊपर निकला ना वो मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। और रही सी कसर मेरी आई जिसमें वालों ने मुझे मार मार के पूरी कर। अच्छा तो उससे सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि इंसान को अपना नाम सबसे अच्छा लगता है। प्लीज मेरा नाम मोहम्मद हरीफ शाह है। आई जी में सुबह खैर माता के महादीर वेयर में लगा जिस के पास में डॉक्टर क्या हो गया, कौन से डॉक्टर है नाम बताइए ना।
इमरान खान जी से नेहरू जी होम्यो मेडिसिन का। अच्छा आप काम करते हो सर? जी जी। अच्छा आपने उपेती क्यों नहीं की? गलती हुई है सर। ठीक आप माफ किए जाए। तो आप परेशान क्यों हो सर? अच्छा चले एक शो ये पेजेस हैं सबके पास पेजेस जिसके पास है, नहीं है वाकई सारे कागज अपने सर पे रख लें और एक आते पिन खोल दी मारो ऐसे हाँ कागज रख नहीं ऐसे करो कैसे कागज और एक आते जो पेंसिल है ना वो ऐसे और ना अपने चेहरा बनाएंगे आप अपने पिक्चर ड्रा कर देखना नहीं ये रखिए और अपनी आंखें बंद करें फोकस करेंगे आप मेरा चेहरा कैसा होगा और बना दें और जब तक मेरे को उसको नीचे नहीं करना तस्वीर बना दें और इधर ऊपर ही रखें चैलेंज करिए आप आंखें बनाएं नाक बनाएं कान बनाएं बाल जो आप मर्जी है बनाएं देखना नहीं है इसको देखना नहीं है जब तक मेरे को और सर से नीचे भी नहीं करना जिन्होंने बना दिया अपना नाम भी लिख दो देखना नहीं है तस्वीर अपनी बड़ी जबरदस्त सुना बना रहे आप छोटे मुझे हो गया अब जो भी कहूंगा आप वो दुराना है अगर मैं जिंदगी में कभी भी परेशान हुआ मुझे स्ट्रेस हुआ और मैंने अपने आप को कभी भी अंदर से नेगेटिव महसूस किया तो मेरी शक्ल ऐसी हो जाएगी आप देखिए कैसा फील हो रहा है आपको ये याद रखिए हाँ क्या हुआ अभी तो पार्टी शुरू हुई अच्छा देखिए सर बात ये जब भी हम किसी भी फील्ड में आते हम इस दुनिया में आए अब अगर अल्लाह पाक दुनिया में भेजे तो कुछ और नहीं भेजा होगा अगर वो सोचता ना तो 9 महीने ना लगा क्योंकि अल्लाह पाक ने बड़ी प्लान के साथ हमें इस दुनिया में भेजे और हमारे जिंदगी में आने के भी एक मकसद है ठीक हो गया और जहर जब हम आते हैं फिर जहर रोजगार के सिलसिले में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है अब जब हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं तो सोचते हैं जहर हम पूरे प्रोफेशन में चले जाते हैं अब सारे लोग डॉक्टर तो नहीं बनते कुछ इंजीनियर बनते हैं कुछ डॉक्टर बनते हैं कुछ सेल्स का काम करते हैं कुछ टीचर बनते हैं कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है लेकिन अगर मैं आपसे सबसे ये पूछूं यार आपकी जिंदगी का क्या मकसद है और उसे आप एक लाइन में लिख लें लिख लें अपने पास क्या हो अपने पास ही लिख लें बताने की जरूरत नहीं अपनी जिंदगी का मकसद क्या क्या करना चाहते अच्छा ये बताएं लास्ट क्लास में जो लोग थे वो हाथ खड़े करें चल नहीं जिंदगी के 24 घंटे ठीक हो गया यानी आज से लेके कल अभी जो टाइम है
ठीक हमारे पास है, तो इसमें हम कौन सा काम जो है ना वो करना पसंद करेंगे? देर कल तक बस कंप्लीट हो जाए तो मैं सुकून की बात बहुत इस दुनिया से करी। अच्छा नहीं, ये अपनी जात की बात है, दूसरों से ना पूछे ना, फिर अब अपने आप को फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो काम है ना वो आपके अंदर जो सोया वो जिन नहीं है उसको जगाना है, क्योंकि इस बात का किसी और से कोई ताल्लुक नहीं आपकी जात के साथ। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद और होगा, उनका और होगा, उनके भाई का और होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद ही और है। हो सकते किसी ने किसी कर्जा देना हो, किसी ने किसी से माफी मांगनी हो, किसी ने कोई और प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, तो हर इंसान की जिंदगी की अपनी प्रायोरिटीज है। तो आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से ये बात रखें कि यार मेरे पास 24 घंटे हैं और मैं 24 घंटों में ना जिंदगी फिर कौन से काम जो है वो बेहतर करना पसंद करूं। चले मैं आपको मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम डूब रहे हैं समुद्र के अंदर, ठीक है, सांस बंद हो गई, उस वक्त हमारी सबसे बेस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? समझे बात,